देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में छिपे प्रतिभा को अगर मौका मिले तो वो भी विश्व पटल पर अपना हुनर बखूबी बता सकते हैं। जरूरत है तो बस ऐसे प्रतिभाओं को आगे लाने का। ऐसे ही प्रतिभा है मध्य प्रदेश के मंदसौर की। यहाँ ये है मंदसौर की बेटी हर्षिता कड़ोदिया, जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने हुनर और काबिलियत के दम पर सिंगिंग में हर्षिता अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। वहीं आपको बता दें कि हर्षिता कड़ोदिया सिंगिंग के साथ साथ कई सारी एल्बम में भी काम कर चुकी है। बीते दिनों महाशिवरात्रि पर हर्षिता ने महादेव पर बना गाना रिलीज किया, जिसको दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। वहीं हर्षिता ने बताया कि उन्हें बचपन से ही सिंगिंग का शौक रहा है। मैं छोटी थी, 7th क्लास में थी, तब स्कूल में मैंने थोड़ा बहुत गुनगुनाया था और जैसे फंक्शंस होते हैं उसमें गाना गाया था। लेकिन उसके बाद मैं जब भी घर पे कोई शील्ड वगैरह लेके आती थी तो घर पे देखने के बाद वो यही कहते थे कि नहीं, पढ़ाई से तो नहीं आई ना, तो इसको साइड में रख दो, कोई मतलब नहीं इसका, क्योंकि पढ़ना है और खाना है कमा के, तो पढ़ना पड़ेगा, इन गाने बजाने से कुछ नहीं होता है। कोई सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद 12th हो गई और फिर कॉलेज में जब आई तो मैंने थोड़ा सा कॉलोनी में कहीं फंक्शन था तो मैंने थोड़ा बहुत गाना गुनगुनाया था, और उसके बाद वो कॉलोनी वाले लोगों ने आके मेरे घर पे बोला कि नहीं, इसको आपको सिखाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तब जाके फिर थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट मिलने लगा और मैं थोड़ा सीखने लगी, और उसके बाद मैं आशीष मराठा सर से मिली और उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया। अभी तक कितने एल्बम आपने रिलीज कर दिए? अभी तक मैं 4 एल्बम रिलीज कर चुकी हूँ जो कवर सॉन्ग है, और अभी बहुत जल्दी मैं खुद का भी लाने वाली हूँ।